हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है दोस्तों आपका आज की मज़ेदार माइनक्राफ्ट गेम प्ले के एक और नए एपिसोड में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपने तो लाइटर में देख लिया होगा गाइस, आज मैं अपना डायमंड वाला विला है, जो अपना डायमंड का घर है, यानी कि ये वाला मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डायमंड चाहिए और मेरे पास डायमंड नहीं है और मैं पानी के अंदर क्यों डूब गया मेरे को नहीं पता। तो गाइस सबसे पहले यार मेरा शुगर केन बहुत बड़े, अरे यार ये यहाँ पे गड्ढा किसने कर दिया भाई, खबरदार अगर किसी ने मेरे घर के बाहर खड्डा करा तो उसके छोड़ेगा नहीं अपन। तो गई सबसे पहले मेरे गन्ने बड़े हो गए हैं, तो मेरे गन्ने को तोड़ने का टाइम भी आ गया है, तो मुझे अपने गन्ने तोड़ लेने चाहिए टाइम से। तो गाइज मैंने माइनक्राफ्ट की वीडियो कल क्यों नहीं डाली, पूछो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फिर मैं आपको 2 दिनों बाद रिप्लाई देगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। तो गाइज इसलिए नहीं डाली क्योंकि गाइज मेरा कल सर्वर भाई चल ही नहीं रहा था भाई, सर्वर मेरा चल ही नहीं रहा कल, कसम से भाई ज़िंदगी में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई भाई। कल मैं सोच करो जैसे ये कोई शुगर केन तोड़ रहा हूँ ना ऐसे, ये अब तो देखो क्लिक करूँगा साथ साथ टूट जाएगा, ठीक है भाई। कल क्लिक कर रहा हूँ 10 मिनट बाद जाके टूट रहा है भाई, मैं क्या भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो गई भाई ज़िंदगी में और ये सर्वर में भाई। हद है भाई, कल किसी भेड़ बकरी को भी मारूँ तो भी भाई 10 मिनट बाद जाकर मर रही है वो, पता नहीं कौन सी स्पेशल पावर्स आ गई हैं उसमें भाई। तो वही इसलिए कल मैंने GTA 5 की वीडियो भी डाल दी, जो कि आपने कल देख ही ली होगी, जो कि मेरी इंडियंस कार वाली थी। इंडियंस कार को मैंने मेगा रैम से उतारा था। क्या मतलब आपने नहीं देखी, क्या मतलब आप मेरी GTA 5 की वीडियोस नहीं देखते। अरे जाओ यार देखो यार भाई, GTA 5 की वीडियो नहीं देखी तो क्या नहीं देखा भाई आपने ज़िंदगी में, कुछ नहीं देखा मेरी, किसी और की नहीं, चॉप चॉप की नहीं देखनी वो तो, मतलब वो उनकी वीडियोस भी अच्छी होती हैं लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छी मेरी होती हैं ये। तो गाइज मेरे को एक यहाँ पे चलिए एक और चेस्ट रखनी पड़ेगी, ये तो फुल हो गई, तो चलो चेस्ट। चलो यार पहले तो अपना डायमंड का घर तोड़ता हूँ, मैंने मेरे को चाहिए डायमंड्स, आई नीड डायमंड्स, आई नीड डायमंड्स। और आप ये सोच रहे होगे मैंने एक टोर ये वाला एक टोर ये क्यों लगा रखा है, क्यों जुलूस निकाल रखा है, क्योंकि भाई पता ही नहीं भाई मेरे घर में आया कोई और ये वाला लकड़ का वुड का ब्लॉक और एक दरवाजा तोड़ के चला गया भाई। हद है भाई, मेरे को पता ही नहीं चला कौन आया कौन नहीं भाई, इसलिए मेरे को यहाँ पे स्मूथ स्टोन लगाना पड़ा और यहाँ पे जल्दबाजी में, नहीं तो मेरे घर के अंदर चोर घुस रहे थे और चोरी कर रहे थे, मेरे को ये वाला दरवाजा लगाना पड़ा। अभी तो फिलहाल खुला रखता हूँ क्योंकि दिन है ना और मैं अपने घर के भी पास हूँ, तो चलो मिल रहा है ना। हाँ मिल रहा है मिल रहा है। देखो गाइज ये है मेरा छोटा सा डायमंड का घर, जिसको भी मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तोड़ने वाला है इसको, देखो इसको तोड़ने वाला है गाइज। तोड़ने का रीज़न ये है क्योंकि मेरे को बहुत सारा डायमंड चाहिए और इसको तोड़ कर मैं अपना डायमंड वसूलेगा, क्योंकि यार देखो मैं रह तो रहा नहीं इसमें, ठीक है ना, अगर मैं रह रहा होता तो फ़ायदा था ना मेरे को यहाँ पे बनाने का। और भाई इतने सारे डायमंड्स लगते हैं ना भाई, कम से कम 9 डायमंड्स का एक ब्लॉक बनता है भाई, मेरे को पता है मेरी ज़िंदगी में सारे डायमंड्स चले गए और बस इतने से ही, इतना सा ही छोटा सा घर बना भाई। नहीं मैं छोटे से घर में रहूंगा, बताऊँ मैं राजा आदमी, ठीक है मैं छोटे से घर में रहूंगा एक बार, हाँ हाँ या ना बता दो यार, वही तो बात है ना भाई, अपने को बड़े घर में रहना है, चाहे वो मिट्टी का घर हो लेकिन घर होना चाहिए बड़ा जिंदगी में, ठीक है छोटे घर में नहीं रहना अपने को, छोटा घर चाहे डायमंड का हो। वैसे ये वाला घर मैं एक बंदे को बेचने वाला था 200 करोड़ में, लेकिन मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने उसको बोला यार तू पैसे कम बहुत कम दे रहा है, ठीक है ना, उसने मेरे को तो 6 करोड़ मेरे खाते में ट्रांसफ़र भी कर दिए थे, लेकिन ना मुझे ज़रूरत ही नहीं है रे भाई मेरे पास, तो तभी कह रहा हूँ इतने सारे डायमंड्स बेच के मैं, इतने सारे पैसे तो मैं ऐसे ही इकट्ठे कर लूँगा भाई, मैं तभी कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। और ये बेड को भी तोड़ दूंगा, यहाँ पे मैंने एक बार ही रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था ज़िंदगी में, ये इस बेड को यहीं पड़े रहने दूँ। देखो गाइस मेरे पास टोटली टोटली एक स्टैक तो भाई आ ही चुका है डायमंड्स का, एक रुको इधर से इधर गिरे तो नहीं हुए, दो यही हैं देखो कितने हैं, 64 प्लस 6, अगर ये तोड़ूंगा तो दरवाजे भी टूट जाएंगे। हाँ ये नहीं टूटे क्या, वाह वाह माइनक्राफ्ट, ये खड़े किसके वो हैं, किसके सिर पे खड़े हैं, रुको इनको तोड़ूं, ओके अगर नीचे वाला थोड़ा तो वो टूट जाते हैं, सही है सही है।
चलो माइनक्राफ्ट में कुछ तो थोड़ा सा दिमाग है माइनक्राफ्ट बनाने वाले में। तो गाइज इन ब्लॉक्स को कन्वर्ट करके अब अपन डायमंड बनाएगा, डायमंड। अरे यार रुको, ओ भाई भाई देखो गाइज मेरे पास कितने सारे डायमंड है भाई। इतने सारे डायमंड्स होने के बाद साला मैं रो रहा हूँ भाई डायमंड्स के लिए, और वो नल्ले से। अरे यार मेरे को चेस्ट भी तो बनानी है, रुको मैं नीचे से दो चेस्ट बना के आता हूँ। लकड़ी है क्या मेरे पास? अरे भाई लकड़ी भी नहीं है भाई, मेरी जिंदगी में लकड़ी की भी कमी हो गई, लड़की की, सॉरी लकड़ी की। तो गाइज चलो सबसे पहले लकड़ी लेने चलते हैं। अरे यार भूख भी लग गई मेरे को। चलिए चलिए, तो गाइस लड़की की अपने पास कमी नहीं है, सॉरी लकड़ी की कमी नहीं है, क्योंकि अपने पास वुड का फार्म है, जिससे अपने को ऑटोमेटिक वुड मिलता है। ऑटोमेटिक नहीं, मतलब तोड़ना तो पड़ता ही है, मतलब अनलिमिटेड पेड़ हैं अपने पास। अरे यार भाई कहाँ से जाऊँ यार, मेरे को यार ये फैंस ना तोड़ ही देने चाहिए। यार अकेली लकड़ी पैदा होनी चाहिए ना, ये घास पौधे क्यों उग जाते हैं भाई, मेरे को ये समझ नहीं आती। देखो अब उतनी ऊपर मैं कैसे चढ़ूंगा यार। चल चल तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मुझे लड़की चाहिए, सॉरी मुझे लकड़ी चाहिए। चल तोड़ो 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 तोड़ो, रात भी होने वाली है, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? होने दो रात भाई, मैं रात से नहीं डरता, रात का बादशाह हूं मैं, रात को तो घूमता हूं मैं। चल देखो मेरे पास कितने लड़की हो गई, 49 वो हो गए मेरे पास टैक्स, नहीं, 49 ब्लॉक्स हो गए मेरे पास, इसके चार चार कन्वर्ट कर देगा अब, देखते कितने बनते हैं बेटे। इसको रख देते हैं यहाँ पे, और ये निकालते हैं यहाँ पे, चार बैल, सोना डाल लकड़ी निकाल, सोना डाल लकड़ी निकाल, चार बैल लकड़ी डाल चेस्ट निकाल, लकड़ी डाल चेस्ट निकाल। दो चाहिए थी ना मेरे को, बाकी की लड़की यहाँ पे रख देता हूँ। चलो चलिए ऊपर चलते हैं, एक तो लगानी है अपने को यहाँ पे, ये एक बेटे यहाँ पे लग जा। और अरे शुगर केन तो रख दिया था ना मैंने, हाँ शुगर केन रख दिया था, और एक लगानी है यहाँ पे जो कि मुझे अपने डायमंड्स के लिए बनानी है बेटे। चलो जी, और तो कुछ नहीं है ना चाहिए ना, और मैं सबसे पहले मेरे को अपने घर का मेन डोर भी चेंज करना है। अरे चलना नीचे, कि जो कि जुलूस निकल रखा है भाई इसका, ये वाला लगाएंगे गाइज। देखो अरे यार इधर क्यों लगा दिया, देखो अब सही लग रहा है ना भाई, अब मस्त लग रहा है भाई। तो गाइज इन भेड़ों को खाना भी खिलाना है मेरे को, ये बहुत सारी होगी फिर, इनको खाना पिला भी, सॉरी मतलब इनको प्यार भी करना है। सबसे पहले मैं सो जाता हूँ, ठीक है? चल 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 सो गया, और रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। चलो जी, अरे यार उठ क्यों गया भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सो, और जल्दी से उठ, जल्दी से सो, जल्दी से उठ। अपनी फसल कितनी को गई है, तो यही वाली फसल को अपन बर्बाद करेगा, मतलब तोड़ेगा। चलो जी पानी बंद हो जाए बेटे, देखो कितने मिले हैं मेरे को, अरे 33 मिले हैं बस भाई। 33 भी कोई चीज होती है बताओ,
ये लो खा लो बेटे खा लो मेरी बहन सो, और अब देख रहो फिर उनको पेला देगा, तुम्हारे बच्चों को बड़ा करेगा फिर उनको पेला देगा। भाव 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 मत करो। चल अरे मेरे को तो जाने दो, अरे खत्म हो गया, जान दो जाने दो, खत्म हो गया। अरे यार अब फिर से लगाना भी तो पड़ेगा भाई, लगाने वाले कोई यार कोई आदमी है लगाने के लिए वीट वीट फार्म? मैं उसको सैलरी दे दूंगा 2 रुपए, 2 रुपया 1 महीने, सॉरी 1 दिन का, 150 रुपये दे दूंगा 1 दिन का मैं। यार मेरे को ना भाई बहुत गुस्सा चढ़ता है भाई वापस वीट्स लगाने में। हाँ मेरे को तोड़ने में बहुत मजा आता है जब पानी निकलता है ना, छोड़ते हैं जब। चल 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 भाई, अगर तू साले जल्दी जल्दी बड़ी ना हुई ना कसम से भाई ये साला वीट फार्म ही तोड़ दूंगा मैं। अब मेरे पास वीट सीड कम कैसे पड़ गए मेरे को पहले कोई ये बताए। ओके एक स्टैक और पड़ा। अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। लो अगर तुम ये खाती हो तो ये खा लो, ये लो ये खा लो ये खा लो, ये भी इसी से ही तो तुम्हारा खाना बनता है तो तुमको ये भी खाना चाहिए। यार इस चेस्ट के अंदर कुछ नहीं यार, मेरे पास 2 पेड़ थे ना, मेरे को 2 पेड़ लगा के भी आना पड़ेंगे। अरे यार ये क्यों इतना खर 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 मशीन किसने चला रखी है भाई जिंदगी में, किसको इसको मरने का शौक है भाई? हद है भाई, चैन ही नहीं है यार। एक इधर लगा एक इधर लगा। तो मेरे पास किसका फोन आ रहा है, एक सेकंड गाइज। हेलो हेलो, हाँ जी क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। हाँ ठीक है 10 बजे तक चलते हैं। हाँ ठीक है। तो गाइज मेरे फ्रेंड का फोन था मुझे, वो कहता कि तो चलो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज आप पूछोगे कि मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि यार मतलब मेरे को ना अच्छा सा नहीं लग रहा था कि हाँ बनाया तो मैंने ही था, कि अगर मेरे पास ज़्यादा डायमंड्स होते ना तो मैं थोड़ा विलास टाइप सा बनाता। यार अपने पास वैसे भी एक घर आया, मुझको अमीरों वाले शौक नहीं चाहिए ना बिडू, कि मतलब हाँ डायमंड को घर बनाओ ये करो वो करो। मैं सिंपल सा बंदा भाई, सिंपल जमीन से जमीन के अंदर रहने वाला, मिट्टी खाने वाला बंदा। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अरे मेरा कीबोर्ड का F5 क्यों नहीं काम कर रहा। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।